राजस्थान में अगले साल यानी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को लेकर इससे जुड़ा एक सवाल अभी से उठना शुरू हो गया है। सवाल ये कि इस बार राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए कौन सा चेहरा होगा? क्या वो हर बार की तरह वसुंधरा राजे सिंधिया ही होगी या कोई और? इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही वसुंधरा राजे दिल्ली यात्रा पर थी। बीजेपी उन्हें केंद्र सरकार में शामिल करने पर विचार कर रही है, जिससे राज्य में नए नेतृत्व की राह खुल सके। इस बार बीजेपी नए सिरे से अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मजबूत टीम को पटखनी देने की जोड़ तोड़ में जुटी है। ऐसे में ये मुमकिन है कि अगला चुनाव बिना किसी चेहरे या पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाए। आपको बता दें कि बीजेपी को यह भी लगता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र में भेजे जाने से पार्टी राज्य के नेताओं की अंतर्कला पर लगाम लगाकर कांग्रेस को हराने पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। यानी बीजेपी एक पंथ और अनेक काज एक साथ करना चाहती है। देखते हैं उसे कितनी सफलता मिलती है। टीम खबर अपडेट।